खेत की नाप जोख करने के लिए पहले किसानों को राजस्व अधिकारियों खास तौर पर लेखपाल की मदद लेनी पड़ती थी। लिखित तौर पर आवेदन करना पड़ता था, उसकी फीस जमा होती थी, लेकिन अब मोबाइल के जमाने में इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐप मौजूद हैं जिसकी मदद लेकर आप अपना खेत नाप सकते हैं या जान सकते हैं कि दस्तावेजों में जो रकबा लिखा हुआ है वो वास्तव में जमीन पर है या फिर नहीं। हालांकि इन ऐप से नपाई की अभी कोई लीगल मान्यता नहीं है, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए खेत नाप सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से यह काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जमीन विवाद हमेशा से चरम पर रहा है। लोग जमीन नपवाने के लिए पटवारी यानी अमीन को बुलवाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इंटरनेट के जमाने में इंसान यदि चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हर कुछ कर सकता है, बस उसके पास जानकारी सटीक होनी चाहिए। जी हाँ, आप यदि चाहें तो मोबाइल फोन से ही अपनी जमीन को नाप सकते हैं। अब आपके भी मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है, तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में अपने मोबाइल से ही अपनी जमीन कैसे नाप सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि जमीन नापने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। बस आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा, इसके बाद खेत पर जाकर आसानी से नाप सकेंगे। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल इसके लिए आपको सही ऐप चुनना होगा। आप GPS फील्ड्स एरिया मेजर या GPS एरिया कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जमीन मापने के लिए यह सबसे मशहूर ऐप माना जाता है। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। इसके बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और जिस भी जगह को आप मापना चाहते हैं यहां उसे सर्च करें। अब आपको चित्र के अनुसार एक नंबर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे, जिनमें से आपको विकल्प नंबर 2 पर क्लिक करना होगा। अब ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार उस स्थान को धीरे से स्पर्श करें जहां आप मापना चाहते हैं। इसके बाद जमीन या खेत की माप सामने आ जाएगी। इसे आप ऊपर ब्लैक बॉक्स में आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से कंपास ऐप डाउनलोड करना होगा। अब ऐप खोलें और मोबाइल को अपने प्लॉट के मैप पर रखें। मान लीजिए आपका प्लॉट 20x40 वर्ग फीट का है तो यह आपको मोबाइल में 205 डिग्री के आसपास दिखाएगा। अब आपको मोबाइल को तब तक घुमाना है जब तक वह 0 डिग्री तक ना पहुंच जाए। जिस स्थान पर 0 डिग्री पड़ती है वही आपके मोबाइल की सही दिशा होगी।